बलियापुर कुंभकार टोला में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की महिला मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष मिट्टू पंडित की अध्यक्षता में हुई। सभा के संस्थापक मुख्य अतिथि बेगू ठाकुर ने कहा कि अक्टूबर 2022 से बलियापुर बालिका मध्य विद्यालय बलियापुर को बंद कर बोर्ड मध्य विद्यालय गढ़ में स्थापित कर दिया गया है। इस विद्यालय में 400 छात्राएं पठन पाठन करती थी। शिक्षा विभाग ने मरम्मती के नाम पर विद्यालय को बंद कर दिया और बार बार ग्रामीण की ओर से शिक्षा विभाग को आवेदन देने के बावजूद आज तक न तो विद्यालय की मरम्मती हो रही है और न ही शिक्षा विभाग कोई इस पर रुचि ले रही है। आज बाध्य होकर ग्रामीण महिला छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आज के सभा में ग्रामीण जनता बेगू ठाकुर के माध्यम से जन सांसद को आवेदन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। आज की सभा में निर्णय लिया गया कि 21 जुलाई को पूर्व सांसद स्वर्गीय एके रॉय के 5वीं पुण्यतिथि गांधी सेवा सदन में मनाई जाएगी। मौके पर नमिता कुमारी, रेखा कुमारी, मधु फूलन कुमारी, रीता कुंभकार, मीरा देवी, दुर्गा देवी, रेखा देवी, मोहनी कुमारी, मिट्टू पंडित, राधा रानी देवी, लता देवी, आरती देवी, उषा देवी, बसंती देवी आदि मौजूद। आज बलियापुर गर्ल्स मिडिल स्कूल आपका अगस्त 2022 से बंद है और सरकार के बीओ ने ये बताया जो स्कूल की मरम्मती होगा और मरम्मती होने के बाद आपका विद्यालय चालू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है ये बलियापुर में इस जगह में करीब 400 छात्र यहाँ पढ़ते हैं। आज इस विद्यालय बंद होने के बाद ये बोर्ड मध्य विद्यालय में आपका बच्चा लोग जाते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, किसी भी गांव में अगर विद्यालय बंद होते हैं तो उनका मुश्किल से 3 महीने 4 महीने के अंदर चालू किया जाता है और 400 लड़की आपका उस बलियापुर बोर्ड मध्य विद्यालय पहले से स्कूल के छात्रों में भरे हुए हैं, उस जगह में आपका किस तरह के बच्ची लोग पढ़ेंगे। आज बहुत सा बच्ची आपका जगह दूसरे विद्यालय में आपका जा रहे हैं, कोई घर में जा रहे हैं, कोई पैसा के अभाव में आपका जाके कोई इंग्लिश मीडियम में आपका पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आज बच्चों का भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, डीओ आपका चुप है, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी चुप है और तमाम आपका प्रशासनिक अधिकारी लोग चुप हैं। जो इस विद्यालय के बारे में किसी ने कोई आपका विचार नहीं कर रहा है, कोई सोच नहीं कर रहा। आज बाध्य होकर हम लोग ये आंदोलन पर उतारू हैं। तो आज यहाँ का जितने भी अभिभावक लोग हैं, आपका हमारा धनबाद के सांसद महोदय को भी लोग पत्राचार कर रहे हैं, उनसे भी इस विषय में हम लोग अवगत कराएंगे। वो देखते हैं, कल उनसे बातचीत करेंगे, वो क्या निर्देश देते हैं। तो निश्चित तौर पर इस गाँव के जितने भी माता बहनें सब एकत्रित हुए हैं, बच्चे लोग एकत्रित हुए हैं, सांसद जी का नेतृत्व में अगस्त महीना तक इस विद्यालय को हर हालत में सरकार को खोलना होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी कीमत में शिक्षा में जो गांव के गरीब बच्चा लोग पढ़ते हैं ये उतना सक्षम नहीं है। यहाँ का बच्चा लोग सरस्वती विद्या मंदिर या आपका DAV डिनोबले में पढ़ेंगे, चूँकि गाँव में विद्यालय है, गाँव में विद्यालय का आप क्यों नहीं चालू कीजिएगा। यही आज हम लोग को मांग है। अगर सरकार जल्दी से इसमें ध्यान नहीं देते हैं तो सांसद का नेतृत्व में इसमें एक बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे।